न्यू कार परचेज करनी है तो ये है टॉप 10 अपकमिंग कार्स इन इंडिया 2024 जुलाई टू अगस्त 2024 में लॉन्च होने वाली ऑल न्यू 10 कार्स। चाहे आप एंट्री लेवल बजट में यानी ऑल्टो वैगनआर के बजट में न्यू कार परचेज करने का प्लान बना रहे हैं, इन आने वाली गाड़ियों में से अपने लिए बेस्ट गाड़ी को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें लॉन्च होने वाली फर्स्ट कार स्विफ्ट टियागो और हुंडई ग्रैंड आई 10 न्योस जैसी एंट्री लेवल गाड़ी को टक्कर देने वाली एंट्री लेवल बजट सेगमेंट की, लेकिन एक ऐसे ब्रांड की जो अपनी अल्ट्रा स्मार्ट और पावरफुल गाड़ियों के लिए जाना जाता है और फर्स्ट टाइम लॉन्च करने वाला है एमजी मोटर। 6 to 7 lakh बजट में एंट्री लेवल की गाड़ी, लेकिन एमजी मोटर्स की सभी गाड़ियों की तरह इसमें अल्ट्रा एडवांस लुक और फीचर्स मिलने वाले हैं। और ये है एमजी मोटर्स की ऑल न्यू एमजी 3 जो 1.5 लीटर के VTI पावरफुल पेट्रोल इंजन के साथ 110 bhp की पावर 140 Nm का टॉर्क देगी। और एमजी 3 के इंजन भी सीधे सीधे स्विफ्ट और हुंडई के i10 न्योस जैसी गाड़ियों को कम्पीट करने वाला है। न केवल इंजन बल्कि इसके अल्ट्रा एडवांस फीचर्स भी अपने सेगमेंट की सबसे फीचर रिच कार बनाने वाला है। और एमजी मोटर्स की एमजी 3 में आपको जबरदस्त पिकअप मिलने वाला है। 10.4 सेकंड में ही 0 to 100 km की रफ्तार गेन कर पाएगी और एमजी 3 में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशंस होगा और 4 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस भी मिलने वाला है। और एमजी मोटर्स की सभी गाड़ियों की तरह MG3 All New 2024 में इनबिल्ट इंटरनेट फैसिलिटी होगी, साथ ही 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, LED टेल लैंप और लेदर स्टीयरिंग व्हील इलेक्ट्रिक सनरूफ भी होगा। और सेफ्टी फीचर्स में ABS, EBD और EPS जैसे तमाम फीचर्स MG मोटर्स अपनी इस गाड़ी में देने वाला है। तो अपनी सभी गाड़ियों की तरह जहां पर इंटरनेट फैसिलिटी एमजी की इस एंट्री लेवल गाड़ी में होने वाली है, तो एंट्री लेवल बजट सेगमेंट में लुक वाइज, फीचर्स वाइज और कंफर्ट वाइज सभी कस्टमर के लिए बेस्ट ऑप्शंस होने वाली है एमजी मोटर्स की ये एंट्री लेवल की गाड़ी। और इसके बाद में नेक्स्ट यानी नंबर 2 पर है हुंडई मोटर्स की एक ऐसी SUV जो दुनिया की सबसे सस्ती SUV भी है और खास तौर से एशियन कंट्रियों के लिए इस गाड़ी को ग्लोबल रूप से लॉन्च किया जा रहा है। तो बात करेंगे हुंडई मोटर्स की इस ऑल न्यू SUV के बारे में। कंपनी ने इसमें मेन लैंप के टॉप पोर्शन पर इंडिकेटर्स दिए हैं, साथ ही इसमें वर्टिकल स्प्लिट हेडलैम्प और LED डे टाइम रनिंग लाइट्स हैं। वहीं से SUV में आपको रियर में मिलने वाले हैं बूमरैंग शेप के LED DRLs, इसके अलावा बम्पर पर रियर टर्न इंडिकेटर्स और रिवर्स पार्किंग लाइट्स हैं। और न्यू SUV बेयॉन्ड ग्लोबल i20 हैचबैक के साथ अपने डिजाइन को साझा करने वाली। और हुंडई की इस मिड बजट की SUV में 1.2 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल इंजन होगा जो 84 PS की पावर 122 Nm का टॉर्क देगा। साथ ही इसका सेकंड ऑप्शन है 1.0 लीटर का पावरफुल टर्बो पेट्रोल जो 100 PS की पावर 172 Nm का टॉर्क देगा। और हुंडई मोटर्स अपनी ऑल न्यू अपकमिंग बेयॉन्ड SUV में 5 और 6 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स, 7 स्पीड का ड्यूल क्लच ट्रांसमिशंस देने वाली है। तो काफ़ी अल्ट्रा एडवांस लुक और फीचर्स के साथ में हुंडई मोटर्स की ये गाड़ी भी मार्केट में एंट्री करने वाली है। और इसके बाद में थर्ड नंबर पर लॉन्च होने वाली है फ्रेंच मेकर कंपनी की एक शानदार अल्ट्रा स्मार्ट गाड़ी सिचोन बेसाल्ट, जिसमें 6 एयरबैग, फ्रंट रियर कैमरे और ESC जैसे शानदार फीचर्स होंगे। साथ ही वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले के साथ में TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ABS, EBD और 10.25 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन और 7 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले होने वाला है। वायरलेस चार्जिंग की फैसिलिटी होगी और इस कार में जोड़े गए एलॉय व्हील्स बड़े शानदार हैं जो आपको मर्सिडीज बेंज GLS जैसे लगने वाले हैं। और इसी के साथ अपकमिंग सिचोन बेसाल्ट SUV में 1.2 लीटर का इंजन होगा टर्बोचार्ज जो 108 bhp की पावर 205 Nm का टॉर्क देगा। ट्रांसमिशंस के लिए 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स होगा। और लुक वाइज सिट्रॉन ब्रांड की इस अपकमिंग गाड़ी का मुकाबला टाटा मोटर्स की आने वाली टाटा कर्व से होने वाला है। हालांकि माना जा रहा है कि सिट्रॉन इसमें एडास की टेक्नोलॉजी भी दे सकता है और इसका प्राइस 11 lakh से स्टार्ट किया जाएगा। और इसके बाद में नेक्स्ट यानी कि फोर्थ नंबर पर लॉन्च होने वाली है रेनॉल्ट इंडिया की एक ऐसी गाड़ी जो
जो कूपे स्टाइल की एसयूवी होगी ड्यूल इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ में, 130 bhp की पावर, 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन होगा, 200 Nm का टॉर्क होगा और रेनॉल्ट राफेल के अंदर आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन का विकल्प मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात है रेनॉल्ट इसमें अच्छे माइलेज के लिए ऑल व्हील ड्राइव और प्लग इन हाइब्रिड का ऑप्शन देने वाली है और इसकी टॉप स्पीड 200 किलोमीटर तक होने वाली है। और इसके बाद में नेक्स्ट यानी फिफ्थ नंबर पर लॉन्च होने वाली है टोयोटा मोटर्स की एक ऐसी गाड़ी जो सेडान सेगमेंट में कंफर्टेबल गाड़ी होने वाली है और काफ़ी सारे शानदार फीचर से लैस होगी टोयोटा मोटर्स की सभी गाड़ियों की तरह। और जहां तक बात है इसके फीचर्स की तो 1.5 लीटर का K15C पेट्रोल इंजन होगा जो 103 bhp की पावर, 138 Nm का टॉर्क देगा, 5 स्पीड का मैनुअल, 4 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होगा। और इस गाड़ी को भी अगस्त मंथ में लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। प्राइस की बात करें लगभग 10 लाख रुपए से इसका प्राइस स्टार्ट किया जाएगा। और टोयोटा अपकमिंग इस कार्स टोयोटा बेल्टा में आपको एडवांस इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सनरूफ जैसे सभी फीचर्स मिलने वाले हैं। और इसके बाद में 6th नंबर पर लॉन्च होने वाली है निशान इंडिया की एक पावरफुल SUV और मिड अगस्त के आसपास इसके लॉन्चिंग की तैयारी चल रही है। और निशान की इस एक्स ट्रेल में 8 इंच का टच स्क्रीन, 12.3 इंच का ड्राइवर डिस्प्ले, पैनारोमिक सनरूफ और 7 एयरबैग्स हैं। और एक्स ट्रेल के बाहरी डिजाइन की बात करें तो स्प्लिट डिजाइन हेडलाइट डिजाइन है, LED DRS और साथ ही क्रोम साउंड के साथ में यू आकार का ग्रिल दिया गया है, स्पोर्ट्स क्रोम एम्बिसमेंट है और बॉडी के पीछे की तरफ यानी कि रियर में एक्सट्रेल में रैप अराउंड LED टेल लाइट्स दी गई हैं। और निशान की इस पावरफुल SUV का इंटीरियर भी काफी शानदार होने वाला है जिसमें फैब्रिक अपोलोस्टी के साथ में ऑल ब्लैक थीम है, 12.3 इंच का फुल्ली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, ड्यूल जोन AC, पैनारोमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जिंग, पेडल शिफ्टर्स और स्लाइडिंग रिक्लाइनिंग सेकेंड रो सीटें दी गई हैं। और सेफ्टी के लिए 7 एयरबैग, ऑटो होल्ड, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, रेन सेंसिंग वाइपर, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर और 360 डिग्री कैमरा जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। और निशान अपनी इस गाड़ी को 1.5 लीटर के टर्बो पेट्रोल ऑप्शंस के साथ में पेश करेगा जिसमें अच्छी खासी 163 PS की पावर, 300 Nm का टॉर्क होगा, साथ ही CVT ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलने वाला है। और इसके लॉन्च होने के बाद में इसका मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर, MG ग्लोस्टर, एस्कोडा कोडियाक और जीप मेरिडियन जैसी गाड़ियों से होने वाला है। प्राइस की बात करें तो निशान एक्सट्रेल को अप्रोक्स 40 लाख रुपए के प्राइस में लॉन्च किया जाएगा। और इसके बाद 8th नंबर पर है होंडा मोटर्स की एक ऑल न्यू SUV यानी एलिवेट के बाद में होंडा अपने पोर्टफोलियो का फिर एक बार विस्तार करने वाली है जिसमें होंडा अपनी WRV का आप कह सकते हैं रिलॉन्च करने वाली है एडवांस लुक और फीचर्स के साथ में। और जहां तक बात है इसके प्राइस की तो अप्रोक्स 9.35 लाख रुपए से इसका प्राइस स्टार्ट किया जाएगा। बाकी इसके फीचर्स में आपको काफ़ी शानदार फीचर्स मिलने वाले हैं जिसमें एडास के फीचर्स होंगे, साथ में 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रियर व्यू कैमरा, ऑटो साइंटिफिक क्लाइमेट कंट्रोल, साथ में सबसे बड़ी बात है कि एशियन NCAP में WRV को 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है यानी ये काफ़ी बेहद सेफ कार होने वाली है। 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन होगा जिसमें 89 bhp की पावर और 110 Nm का टॉर्क होने वाला है, साथ में 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलने वाला है। और इसके बाद 9th नंबर पर लॉन्च होने वाली है हुंडई मोटर्स की हुंडई पाली से 2.2 लीटर के इंजन के साथ में, साथ ही 3.5 लीटर का ऑप्शंस भी होगा जो 270 bhp की पावर, 550 Nm का टॉर्क देगा और इस इंजन में 8 स्पीड का ऑल व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होने वाला है जो शानदार तगड़ा परफॉर्मेंस और स्मूथ ड्राइविंग का एक्सपीरियंस देने वाला है। और हुंडई की इस ऑल न्यू SUV यानी अपकमिंग पालीसेड में ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा होगा ऑफ रोडिंग के लिए, ऑफ रोड और हाईवे पर भी इसे आप आसानी से चला पाएंगे। और मेनली इसके सेफ्टी के एडवांस फीचर्स में मल्टी कोलाइजन ब्रेक सिस्टम, दूसरा होगा रियर ऑक्यूपेंट अलर्ट सिस्टम, साथ में गाइड लैंप और कुल मिलाकर एडास की काफ़ी सारी फैसिलिटी आपको हुंडई पालीसेड 2024 में मिलने वाली है। और हुंडई पालीसेड का प्राइस अप्रॉक्स 40 लाख से स्टार्ट होगा यानी हुंडई मोटर्स की आप कह सकते हैं अल्ट्रा लग्जरी और पावरफुल के साथ में ये एलिट सेगमेंट की गाड़ी होने वाली है। और नंबर 10 पर है 2024 का बिग लॉन्च टाटा मोटर्स की एक ऐसी शानदार गाड़ी
जो यूरोपियन स्टाइल की गाड़ियों को भी तगड़ी टक्कर देने वाली है, लुक वाइज, फीचर्स वाइज और कंफर्ट वाइज। तो 7 अगस्त को लॉन्च होने वाली है टाटा मोटर्स की मोस्ट अवेटेड कार टाटा कर्व, जो कि इलेक्ट्रिक, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी सभी ऑप्शन में लॉन्च किया जाएगा। फिलहाल इसका इलेक्ट्रिक वेरिएंट लॉन्च होने वाला है और टाटा कर्व भी जहां पर 500 प्लस किलोमीटर की शानदार रेंज देने वाली है और इसके फीचर्स और इंटीरियर भी काफ़ी अल्ट्रा स्मार्ट हैं, जिसमें लेटेस्ट यूआई के साथ में 12.5 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, 360 डिग्री कैमरा, पैनारोमिक सनरूफ, इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो के साथ में नया ट्विन स्पोक स्टीयरिंग व्हील और पेडल शिफ्टर्स दिए गए हैं। साथ ही इसके टॉप एंड वेरिएंट में लेवल 2 का एडास भी मिलने वाला है, जिसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, लैंड डिपार्चर वार्निंग और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे शानदार फीचर्स हैं। तो 7 अगस्त को लॉन्च होने वाली है टाटा मोटर्स की ये नई शानदार कार, जो मार्केट की सभी स्मार्ट गाड़ियों हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, फॉक्सवैगन टाइगून और एस्कोडा कुसाक जैसी एसयूवी को टक्कर देने वाली है। तो ऑल टू ऑल ये है मार्केट में लॉन्च होने वाली टॉप 10 अपकमिंग कार्स इन इंडिया 2024, जिनमें से आप अपने लिए बेस्ट गाड़ी को सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए शेयर करने वाले हैं करंटली अवेलेबल उन पॉपुलर गाड़ियों के आने वाले फेसलिफ्ट, पॉसिबल है जिनमें से आप किसी गाड़ी को परचेज करने वाले हों तो उनके एडवांस फीचर से लैस फेसलिफ्ट को ही परचेज करने का प्लान कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और ऑटोमोबाइल वर्ल्ड के हर लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने सभी उन फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जो न्यू कार परचेज करने वाले हैं, चाहे वो करंटली अवेलेबल गाड़ियों के आने वाले फेसलिफ्ट हैं या फिर ऑल न्यू अपकमिंग कार्स इन इंडिया 2024 हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ।